वह विराम ले लेकर नहीं, वह पूर्वांचल के हर गलियों में हर गांव में संघर्ष के रूप में सुशोभित हो रही है। और मैं एक बार पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि पूर्वांचल राज्य के निर्माण के लिए जो भी लोग प्रतिबद्ध हैं, एक बार पूर्वांचल राज्य के लिए। जी सर, बात करें आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस क्या उद्देश्य से कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोगों का 3 प्रमुख मांग था कि भोजपुरी भाषा जो 30 करोड़ लोग बोलते हैं, भारत की सबसे ज़्यादा अगर भारत में कोई बोली बोली जाती है भोजपुरी है। दूसरा ये है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तरी भारत के लोग हैं, ये जो पूरब के लोग हैं, वो दिल्ली में बम्बई में रोटी के लिए रोज़गार के लिए जो चले जाते हैं, उनको नाना प्रकार की यातनाएँ झेलनी पड़ती हैं। जैसे राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे और ये लोग मारते हैं पीटते हैं, गुजरात में अभी उल्टा सीधा किया गया, अभी कमलनाथ जी कल बोले कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के कारण यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, दिल्ली के अंदर बिदुड़ी जी बोलते हैं कि ये उत्तर भारत ये पूर्वांचल और बिहारियों को भगाओ। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग से देश विभाजित होगा, तो इसका मतलब कि ये लोग राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति ये लोगों की दुर्भावना है। और दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसको छोटे छोटे राज्य बनाने की आवश्यकता है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है इतना पिछड़ा है कि पूछिए मत। तो हम लोगों का है कि एक पूर्वांचल पीपुल्स प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे अभी कोई चिंकी नहीं बोल सकता, कोई नागालैंड और मिजोरम असम कोई लड़की है दिल्ली में घूमती है तो उसको लोग बोलते हैं चिंकी है, माने उसको जो है दुर्भावना से लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं, क्या है कि वो भारत की नागरिक है, उसकी एक सोच है, वो है, ठीक है, ईश्वर ने उसको ना कैसा कर दिया चाहे जैसा कर दिया। अगर हम लोग बोलने लगे उल्टा सीधा लोगों को तो कैसा हंसी उड़ाना, हमारा मजाक उड़ाते हैं लोग, बिहारी है ये है वो है। तो हम लोगों का है कि एक एक्ट बनाइए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको तुरंत जेल में बंद किया जाए और जेल में डाला जाए, दूसरा राज्य बनाया जाए। और तीसरा, भोजपुरी जो भाषा है, हमें कहने में कोई वो नहीं है, इतनी सम्मानित भाषा है, इतनी अच्छी भाषा है, नेपाल में हमें सम्मान मिलता है, हमें सम्मान मिलता है सूरीनाम में, हमें सम्मान मिलता है दुनिया में हर जगह, और अपने ही देश में संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इस मांग को लेकर हम लोग जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। भोजपुरी गीत होते हैं उनको लोग बड़े ध्यान से और हर्षोल्लास से उन गीतों को गाते भी हैं और देखते भी हैं, फिर भी भोजपुरी भाषा का इतना बड़ा अपमान आप कह रहे हैं कि होता है, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी मनोरंजन के लिए तो अभी किसी पिक्चर में गाना ओका पोका 3 तड़ोका आया था, हमारे यहाँ बलिया के ही थे राम विचार पांडे, भोजपुरी के बहुत बड़े राइटर थे, हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े राइटर, अभी जितने गाने हिट हुए हैं फिल्मी दुनिया में जितने सब भोजपुरी से आते हैं, और हमें सम्मान नहीं मिलता है। तो इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि कम से कम संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें शामिल करना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए, हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या गलती है कि हमारे यहाँ रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सरकार को देखना चाहिए। और पूर्वांचल का अपमान देश का अपमान है, क्योंकि पूर्वांचल ने देश को दिया है, लिया कुछ नहीं है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति हम वचनबद्ध हैं। अब पूर्वांचल का मतलब होता है भारत माँ का आँचल, जो माँ होती है उसकी साड़ी का जो आँचल होता है उसी से वो आशीर्वाद देती है। पूर्वांचल की धरती पूरे देश का नेतृत्व करती है, लेकिन आज हमें आँख से आंसू आता है जब हमें गाली मिलती है, धिक्कार मिलता है, क्योंकि हमारा जो है शोषण किया गया है। दिल्ली के अंदर बिदुड़ी जी उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर रमेश बिदुड़ी अगर थोड़ा सा हम लोग मजबूत हो जाएं या ऐसे खड़े हो जाएं तो पीठ के भूसा भर देंगे वोट के माध्यम से। हम लोग तो खैर अहिंसात्मक तरीके से हम लोग हैं। दूसरा यह है, गुजरात में अभी आपने सुना होगा बिहार का कोई लड़का था, कुछ हो गया था, पूरे गुजरात में लगे लोग मारपीट करने, हमें बेंगलोर से भी भगाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसी देश में इस तरह की बात होगी तो देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ये बात सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जैसे कमलनाथ जी ने किया तो उसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए। तो ये सब तमाम मुद्दे और मांग हैं। भारत का जो है पूर्वी छोर है,
जहाँ सूरज निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्वोत्तर से, जहाँ की चाय पूरा देश पीता है आसाम से, और वहाँ के लोग आज असहाय हैं, वहाँ के लोग आज परेशान हैं, तो प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप, अगर सरकार नहीं सुनती? देखिए, हम सरकार बनाएंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग गांधीवादी, हम संविधान के तरीके से चलेंगे। हम जो है, जो फोटो पीछे लगाए हैं उसको भी आप देख लीजिए, उसमें हम लोग गांधी जी को भी रखे हैं, उसमें मंगल पांडे जी क्या किए थे जब अंग्रेज लगे उल्टा सीधा करने, तो अशफाकुल्ला ने क्या किया, बगावत किया। हम लोग बगावत करेंगे और विरोध करेंगे, अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध के बाद क्या होता है, बगावत होता है। हम लोग विरोध के बाद बगावत करेंगे। हम लोग सरकार से अब लास्ट में क्या अपील करेंगे? सरकार से तो मेरा यही अपील है कि भाई ये जेन्युइन मांग है, अगर हम कोई गलत मांग कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ़ उचित कार्रवाई करो, अगर हम सही मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग पूरा करो। आप जाके चुनाव लड़ते हो, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, ये है वो है, और अभी तक गंगा मैया कुछ नहीं कर पाए आप। आपको क्या है, बनारस कहाँ बसा है? बनारस एक ऐसी जगह है, बनारस से पटना की दूरी 150 किलोमीटर है ना, और 150 किलोमीटर के रेडियस में हिंदुस्तान बसता है चारों तरफ। वहाँ के लोग बिल्कुल सीमा से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, पूरे देश सिस्टम को चला रहे हैं। आप वहाँ गए कहे कि गंगा मैया ने बुलाया है, आप वहाँ गए कहे हम राज्य बनाएंगे, आप वहाँ गए कहे भोजपुरी को हम सम्मान देंगे। 4.5 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया, न रोजगार दिया, न रोटी दिया, न गंगा मैया की सफाई किया, बल्कि आपने GST कर दिया। आपके सरकार के मंत्री बंदर को, हनुमान जी को भी कह रहे हैं कि दलित थे, बोल रहे वेद, तो यही सब वक्त है यही सब काम करने का, कि कौन क्या है। मैंने अब देवताओं का भी जात बताया जाएगा, अब बताया जाएगा कौन किस जात का है। तो जात बताने के लिए, धर्म बताने के लिए आप सरकार चला रहे हो कि देश बचाने के लिए सरकार चला रहे हो? तो ये सब जो नाटकबाजी है, अभी कमलनाथ जी बन गए, हुआ कि भाई कमलनाथ जी 84 के दंगे में शामिल थे, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वही लोग कह रहे हैं जो 2002 के दंगे में शामिल थे। तो एक 2002 का दंगा करता है, एक 84 का दंगा करता है, एक राफेल करता है तो एक बोफोर्स करता है। तो ये राफेल है एक तरफ तो बोफोर्स है, एक 2002 है तो एक 84 है। तो पूर्वांचल के लोग अब इस देश को सही करेंगे, सही दिशा में ले जाएंगे। 2002 और 84 ये सब बात करने से काम नहीं चलेगा। हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, और यही हमारे देशभक्त शहीद चाहते थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। यही सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, भगत सिंह क्या चाहते थे, चाहते थे, भगत सिंह कहते थे कि मिले गरीब को रोटी तो मेरी जान भी सस्ती है। आज कोई नेता बोलता है क्या? आज कोई नेता बोलता है? राम मंदिर आंदोलन बनाने गए थे लोग, सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग घायल हो गए, लाखों लोग जेल में चले गए, कोई एक नेता मरा क्या? मरा कोई नेता? ये नेता खाली TV पे भाषण देते हैं और सिक्योरिटी में रहते हैं, मरेंगे तो पता चलेगा कि कौन मर रहा है। अभी हादसा क्या हुआ, यहाँ एक मर गए इंस्पेक्टर साहब उत्तर प्रदेश में, योगी जी गोरखपुर वाले, लोग उनके विषय में नाना प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि लोग जो है सब कुछ छोड़ के राजपाट और साधु होते हैं, और ये साधु हो गए फिर राजपाट लिए हैं। बताइए, महात्मा खुद राजा थे और राजा का राजा छोड़ करके और देश को संदेश दिए पूरी दुनिया में, ये आ गए, इनके राज में क्या हो रहा है, जेल के अंदर गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी मारा जा रहा है, इनके राज में क्या हो रहा है, इनके इंस्पेक्टर की हत्या हो रही है, इनके राज में क्या हो रहा है, पति पत्नी घर जा रहे हैं पति को गोली लग जा रही है, इनके राज में क्या हो रहा है। जब चुनाव आ रहा है, अभी 3 जगह चुनाव हुआ तो ये डांस करने गए थे सब, गुजरात में, वहाँ गुजरात का चुनाव है, गुजरात में डांस हुआ, अभी राजस्थान का चुनाव था, राजनाथ में डांस हुआ, छत्तीसगढ़ में घूम घूम के। प्रधानमंत्री की ये भाषा होती है, उत्तर प्रदेश एक मजबूत जगह है, वहाँ के मुख्यमंत्री जाके बानर और हनुमान जी की बात करके और जात बता रहा है। इन लोगों के जिम्मे काम है देश भर में घूम घूम चुनाव कराना कि देश चलाना। प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े सोच वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं, इनको कुछ पता है कि गरीब का रोटी कैसे चलता है, घर कैसे चलता है, इतनी महंगाई हो रही है, इन्होंने किया क्या? जितना पैसा तेल से, डीजल से देश का आया, और जितना इन्होंने छापा मारा, सबको परेशान किया, इनके अधिकारी एक नंबर के चोर हैं, सब घूस ले रहे हैं,
सारे पैसा को ले जाकर हथियार खरीद रहे हैं, सब पैसा इकट्ठा करके क्या खरीद रहे हैं, हथियार। किसको मारना चाहते हो, किसका घर उजाड़ना चाहते हो, किसके घर में आग लगाना चाहते हो, तमाम समस्याएं हैं। और हम लोग राज्य तो बनाएंगे ही, भोजपुरी को सम्मान तो दिलाएंगे ही, पूर्वांचल पीपुल्स प्रोटेक्शन एक्ट तो बनेगा ही, लेकिन पूरे देश की राजनीति को हम लोग बदलेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। और आगे जो हो ऊपर वाला जाने क्या होगा, लेकिन हम लोगों का ये चाहत है और ये चाह है। अच्छा, हम बात करें सर कि पूर्वांचल के लोग जब यहाँ आते हैं, कहीं भी किसी भी शहर में चले जाए, वो मेहनत करने से नहीं घबराते, फिर भी इस तरीके का अपमान उन्हें झेलना पड़ता है, तो इस विषय पे क्या कहें? पीड़ा है। अगर चेन्नई में कूली का काम करता है तो पूर्वांचल का आदमी होता है। जब मैं जाता हूँ चेन्नई पर रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ तो कहो भैया का हलवा, और जब बम्बई की सड़कों पे जाता हूँ सुबह जो है चाय बांटने से लेके अखबार बांटने से लेके दूध बांटने से लेके, हम दूध पिलाते हैं, हम चाय पिलाते हैं, हम सड़क बनाते हैं, हम सड़क पर गिट्टी डालते हैं, हम रोलर चलाते हैं और हम मेहनत करते हैं, फिर भी अपमान मिलता है। तो सरकार की कमियाँ हैं, तो वोट बैंक है। अब बम्बई में राज ठाकरे मार देता है, पीट देता है कि मराठी के नाम पर कि मराठी इकट्ठे हो जाएंगे हमें वोट मिल जाएगा, तो ये देश का दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को हम लोग बदलना चाहते हैं, और ये देश के लिए शर्मनाक है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पूर्वांचल पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्वांचल पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोजपुरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकम्मी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फुजली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। भोजपुरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद।